दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा टोनी स्टार्क आयरन मैन को एमसीयू में वापस कैसे ला सकते हैं। कुछ लोगों का कहना था फिर से टाइम डिलेट करके आयरन मैन को एमसीयू में लाया जा सकता है, जो मैं बता दूं आपसे ये बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि जब आयरन मैन थे तभी टाइम डिलेट पॉसिबल थी। अगर आपको लगता है कि हल्क टाइम डिलेट कर सकता है तो आयरन मैन के बिना कुछ नहीं कर सकता। सोचो अगर हल्क अकेला टाइम डिलेट कर सकता है तो एवेंजर्स टीम आयरन मैन के पास सहायता मांगने ना जाती। एवेंजर्स टीम को भी पता था टोनी स्टार्क के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। एक बात बता दूं और दोस्तों, अगर हल्क डकैती कर भी लेता है तब भी आयरन मैन को एमसीयू में लाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो भी एवेंजर्स टीम में से आयरन मैन को वापस लाने जाएगा वो वहीं पर रह जाएगा, क्योंकि एमसीयू की जो मेन टाइमलाइन है वो पास्ट टाइमलाइन से बहुत ही अलग है, तो एवेंजर्स टीम ये रिस्क लेना नहीं चाहेगी। दूसरी थ्योरी यह है कि अगर थॉर चाहे तो आयरन मैन को एमसीयू में वापस ला सकता है। जैसे गॉड द गॉड बुचर अपनी बेटी को इटर्निटी से मांगा था, वैसे थॉर चाहे तो आयरन मैन को इटर्निटी से मांग सकता है, बट उसके साथ एक प्रॉब्लम है, इटर्निटी के आगे एक विश मांग सकते हैं जो कि गॉड द गॉड बुचर पहले से ही मांग चुका है। फिर भी थॉर अगर इटर्निटी का दरवाजा खोल के अपना प्रस्ताव रखता है तो 50% चांस है इटर्निटी थॉर का प्रस्ताव एक्सेप्ट कर ले, और 50% नहीं भी कर सकता है। अब ये तो इटर्निटी के ऊपर है। और दूसरी थ्योरी आयरन मैन को वापस लाने के लिए निकल के आती है कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चेवेज चाहे तो टोनी स्टार्क को वापस ला सकते हैं। आपने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स में तो देखा ही होगा, अमेरिका चेवेज अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना जानती थी, लेकिन मूवी के लास्ट तक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चेवेज मल्टीवर्स में घूमे और जहां कहीं भी आयरन मैन का वजूद है वहां से वापस लाया जा सकता है, बट दूसरी दुनिया का आयरन मैन अपने टोनी स्टार्क जितना इंटेलिजेंट होना चाहिए। और लास्ट थ्योरी यह है कि जितने भी मल्टीवर्स के सुपर विलेन थे अर्थवासी के टोनी स्टार्क को जानते थे, इसका मतलब यह है कि आयरन मैन का किसी और दुनिया में वजूद नहीं था। अगर होता जितने भी मल्टीवर्स के सुपर विलेन थे वो आयरन मैन को जानते, इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। सो आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो के लेकर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और हमारी वीडियो कैसे लगी ये भी कमेंट कर बताना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।